ओम शांति। गीता अध्याय दूसरा, श्लोक 4 से 8 तक। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इस महानुभाव इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन पूछ रहा है कि रणभूमि में मैं किस प्रकार से भीष्म द्रोण के विरुद्ध लड़ूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय है, उनको मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना, उनको मारने से तो भिक्षा मांगकर अन्य अन्न खाना भी मैं कल्याणकारक समझता हूँ, और उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो ही भोगूंगा अगर उनको मारता हूँ तो। और मुझे यह भी नहीं पता कि इस युद्ध में कौन जीतने वाला है, और ऐसा मोहित हुआ मेरा चित्त, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। और वो ये भी कहता है कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो शोक है, इसको दूर करने का मैं कोई मार्ग नहीं खोज पा रहा हूँ। पूरा पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन तरह तरह की बातें बता रहा है, अलग अलग तरीके से वही बात दोहरा रहा है, और जब उसको कहा गया कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, और जब उसको कहा गया कि ये अनार्य है, और जब उसको कहा गया कि ये नपुंसकता है, वो उसने सुना, परंतु फिर भी वो उसी बात को फिर से दोहराया चला जा रहा है कि सामने भीष्म है, सामने द्रोणाचार्य है, मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, इनसे लड़कर सम्राट बनने से अच्छा है मैं सड़क पर बैठकर भीख मांग लूंगा, ये मुझे ज्यादा श्रेयस्कर लग रहा है। और वो एक जगह ये भी कह रहा है कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, परंतु वो फिर ये भी कह रहा है कि मुझे नहीं लगता इस युद्ध से कुछ फायदा है, मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी का भी कल्याण होने वाला है, और वो ये भी कह रहा है कि शोक में डूबा हुआ मेरा मन, ये शोक इतना गहरा है कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला है, और जो राज्य मुझे प्राप्त होगा और जो देवताओं के स्वामित्व की मुझे जो प्राप्ति होगी वो सब भी मुझे गौण लग रही है। तो ये अर्जुन की
कंडीशन है। थाह नहीं मिलती जीवन की, लहरों से ही रह गई खेलती मछली, चंचल मछली मेरे मन की, स्वल्प ज्ञान की गुनिया हल्की, कैसे बुझे बात अतल की, जल में लीन न होने देती लोह काट की नैया तन की, व्यर्थ हुए सिद्धांत समीक्षा, मिले नहीं गुरु मंत्र न दीक्षा, आज और कल और दिखती रंगत मिट्टी के कण कण की, यहाँ स्नेह से स्नेह न मिलता, सत्य फूल बन स्वप्न न खिलता, स्वार्थ बन गया स्वामी, भूली बुद्धि थकी चेरी शनशन की, थाह नहीं मिलती जीवन की, लहरों से ही रही खेलती चंचल मछली मेरे मन की। तो मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि थाह नहीं मिल पाती जीवन की, जीवन रूपी जो समुद्र है उसकी थाह नहीं मिलती, लहरों से ही खेल रही कौन, चंचल मछली मेरे मन की। तो यही मनुष्य की स्थिति है, निरंतर द्वंद, निरंतर जैसे कि जीवन एक बेबूज पहेली है, एक पजल है जिसे वो हल करने में लगा हुआ है। यहां पर एक बहुत सूक्ष्म बात है कि अर्जुन ने अपना पक्ष रखा कि ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, और फिर उसे उत्तर दिया गया। क्या उत्तर दिया गया? कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। उसे उत्तर दिया गया, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तुम्हें शोभता नहीं है, ये अनार्य है, ये तुम्हारे कीर्ति के लायक नहीं है, ये नपुंसकता है। इतना कहा भगवान ने, फिर भी वो वही प्रश्न फिर से पूछ रहा है, उसी कोने को उसने फिर से पकड़ा और क्या कह रहा है, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, मैं लड़ू कैसे भीष्म द्रोण, मैं लड़ू कैसे मेरे भाई, मैं लड़ू कैसे, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। इसका अर्थ वो सुन ही नहीं रहा था। जब उसे ये कहा जा रहा था इसके पहले श्लोक में कि तुम ऐसा नहीं सोचो, हृदय दुर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। इसका अर्थ जब उसे ये कहा गया था वो अपने ही भावों में लीन था, अपने ही शोक में इतना डूबा हुआ था कि वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा था। इसलिए तो फिर से उसने वही प्रश्न पूछा जो अब तक वो पूछते आ रहा था। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो प्रश्न तो पूछता है परंतु जब उत्तर दिया जाता है वो उत्तर सुन नहीं होता है, सुन रहा नहीं होता है, वो अपने ही विचारों में खोया होता है। प्रश्न तो पूछ लिया और बहुत विस्तार से पूछा, और जब उत्तर दिया जा रहा है तब भी वो उत्तर को नहीं सुन रहा है। आर्ट ऑफ लिसनिंग, इसकी जबरदस्त कमी है। क्यों नहीं सुन पा रहा है वो? क्योंकि अपने ही विचारों में खोया हुआ है। सुन रहा है फिर भी नहीं सुन रहा है। लिसनिंग, हियरिंग बट नॉट लिसनिंग, खाली सुन रहा है, सुन ही नहीं रहा है। पर एक मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं, जब पहला बोलता है तो दूसरा मुझे क्या बोलना है उसकी तैयारी में है। इस तैयारी में नहीं है कि क्या बोला जा रहा है उसे मैं समझूं। किस तैयारी में है? कि अब मुझे क्या बोलना है। इस तैयारी में प्रश्न हम किसी से पूछते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें उनकी बहुत कम रुचि है। रुचि, उत्सुकता किसमें है? प्रश्न पूछने में।
उत्तर सुनने में रुचि नहीं है, क्योंकि उत्तर साधारण होने वाला है और उत्तर जो मिलने वाला है वो वही होने वाला है जो हमें पता है। उत्तर वही होने वाला है, मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, मुरली का चिंतन करो, ज्ञान करो, योग करो, चार्ट को पढ़ाओ। उत्तर सुने हुए है, साधारण है, और वही है जो हमें पता है, और वो भी है जो हम करना नहीं चाहते। रस है प्रश्न पूछने में, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने में रस बहुत अच्छा है कि व्यर्थ संकल्प बहुत तेज चलते कैसे मुक्त हो, अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाए, क्या करें कि चार्ट बढ़ जाए। प्रश्न में रस अधिक है, उत्तर में रस नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछना अहंकार को तृप्त करता है, मैं की तृप्ति होती है उसमें कि हम भी पूछने वाले हैं, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं और मेरे पुरुषार्थ में ये बाधा है, इसलिए मेरे पास भी कुछ प्रश्न है। और यदि वो बड़ी सभा में कोई पूछता है वहां तो बहुत ज्यादा अहंकार की तृप्ति होती है। दादी का क्लास चल रहा है और दादी कहे कि कोई प्रश्न पूछो, वहां प्रश्न पूछने में सबसे अधिक रस है, क्योंकि वहां प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पूछ रहा हूं ये महत्वपूर्ण है, और जो उत्तर दादी ने जो दिया उसमें तो बिल्कुल भी रस नहीं है, क्योंकि उत्तर देने के बाद भी थोड़े देर के बाद फिर से वही प्रश्न पूछेंगे, इसका मतलब उत्तर सुन ही नहीं रहे थे। तो यहां पर जो इसके पहले श्लोक में कहा गया कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, ये नपुंसकता है, ये अनार्य है, तुम्हारी कीर्ति इससे नहीं होगी, अकीर्ति कारक है ये तुम्हारे लिए, उतना सब कुछ कहा उसने पहले अध्याय में, ढेर सारे प्रश्न पूछे। इतने प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर उसे मिला उस उत्तर पर उसका जरा भी ध्यान नहीं था, क्योंकि तुरंत वो क्या पूछने लगा है, हे मधुसूदन कथम भीष्म महम संखे द्रोण च मधुसूदन, ये भीष्म ये द्रोण इनका क्या, इसी का तो उत्तर दिया था, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, परंतु फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है। इशुभिः प्रतियोत्स्यामि, मैं इनका प्रतिकार काउंटर अटैक कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय है। तो सबसे पहली बात यहां जो समझने जैसी है वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो क्या किया जाए जिससे हमारी आर्ट ऑफ लिसनिंग बढ़े, पहले हम एक दो बातें इसकी देखेंगे और फिर आगे की चर्चा। तो क्या किया जाए जब हम सुनते हैं तो क्या करना है, जब हम सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, दो लोग हम बात कर रहे हैं तब सुन रहे हैं, बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एक व्यक्ति उठता है, सारे लोग बैठे होते हैं, वो अपनी बात रखता है, थोड़ी देर के बाद दूसरा एक व्यक्ति फिर से वही प्रश्न पूछता है, इसका मतलब उसने सुना ही नहीं था जो कहा गया। यहां पर क्लासेस में कई बार हमने देखा है कि 10 बातें यदि सुनाई जाए, ठीक है, तो दूसरी बात जो सुनाई, क्लास पूरा होने, क्लास जब बीच में रहता है तो कोई बीच में से उठ के कहता है कि हाँ वो पॉइंट है, जबकि दूसरा नंबर का पॉइंट वही था, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे थे। यदि 7 बातें सुनाई जाए और एक पॉइंट वो है, तो 7 बातें पूरी होने के बाद जब ये पूछा जाता है और कोई पॉइंट, तो फिर से व्यक्ति वही बताता है जो फर्स्ट नंबर की थी, इसका मतलब वो फर्स्ट नंबर की जब पॉइंट सुनाई जा रही थी तब हम सुन ही नहीं रहे थे। तो क्या किया जाए, मन को प्रेजेंट रखना और सुनते समय विजुलाइज करना और अनुभव। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं,
कोई बात बता रहा है, मेरे यहाँ ऐसा हुआ, मेरे वहां वैसा हुआ, दो आपस में बात कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति दूसरा जब बोल रहा है तब दूसरा अपनी प्लानिंग कर रहा है मुझे क्या बोलना है, क्या किया जाए। ध्यान से तो सुनना ही है, पर क्या कैसे, ध्यान से ही कैसे सुनना है, उसी की वही प्रश्न है। सबसे पहली चीज जो है कम्युनिकेशन की वो है आई कांटेक्ट। आर्ट ऑफ लिसनिंग में सबसे पहली जो पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। स्पीकर यदि बैठा है यहाँ, कई बार हम देखते हैं यहाँ कोई आके बैठता है नीचे देखकर ही बातें चलती है, पूरी क्लास नीचे देखकर या एक ही व्यक्ति की तरफ देखकर। आई कांटेक्ट होना चाहिए सबके साथ, जितने बैठे हैं उन सब के साथ, एक यदि दो लोग हैं तो उस एक के साथ। सबसे पहली पॉइंट तो ये है। यहां इसके पहले जब भगवान ने उससे कहा तब शायद उसका ध्यान ही नहीं था, आई कांटेक्ट था क्या, शायद नहीं। फर्स्ट इज आई कांटेक्ट। सेकंड पॉइंट इज जज नहीं करो, डू नॉट जज। जो कहा जा रहा है उसको तुरंत जज नहीं करो, यह ऐसा है, प्लेन बुद्धि होकर सुनो, आने दो पहले बात को अपने अंदर, तुरंत डू नॉट जज। तीसरी पॉइंट है डू नॉट इंटरप्ट। व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी बात को काटो नहीं, पूरा करने दो उसको, इतना धैर्य ही नहीं है कि हम पूरी बात सुने, इससे पहले कि वो बात पूरी करें हम उसको काट देते हैं। यहां अर्जुन क्या कर रहा है, पूरा गीता में 700 श्लोक अर्जुन बार 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 सुनता ही नहीं है, परंतु धैर्य भी देखो कितना है भगवान का, कि जो उसके हर चाइल्डिश बचकानी बात को रोक कर फिर एक्सप्लेन करते हैं कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, फिर वो पूछता है ये ऐसा क्यों है, अभी देखो उसे बता दिया गया है फिर भी वही पूछता है, ये मेरे द्रोण और मेरे भीष्म में क्या करूं, अरे उसी का तो उत्तर दिया था थोड़ी देर पहले, फिर से वही पूछता है, अभी ये पूरा होगा, फिर से वो बार 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 एक ही एक चीज दोहराते जाता है, कहीं यहां से पकड़ता है कभी वहां से पकड़ता है, पर बात एक ही है, क्योंकि उसे मोह उसका इतना गहरा, इसके दूसरे भी कुछ कारण है वो हम देखेंगे, परंतु डू नॉट इंटरप्ट, लिसन विदाउट जजमेंट एंड मेक आई कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट, और सुनते समय आर्ट ऑफ लिसनिंग में क्या ब्रात उसकी बात को प्राथमिकता दे, मुझे बोलना है इसको प्राथमिकता ना दे। आज सुबह का वरदान है, पहले आप किस में, दूसरों को बोलने देने में, मैं ही बोलूं नहीं, पहले आप, तुमने बहुत बोल लिया, अब उसको चांस दो, उसको अवसर देना, इसमें भी पहले आप, कि पहले आप बोलो फिर हम बोलेंगे, पहले आप अपनी बात पूरी करो फिर हम बात करेंगे, पहले उसको शुरुआत से अंत तक अपना मुद्दा, अपना विचार जो भी है वो रखने दो, फिर हम अपना निर्णय देंगे। बीच में काटना, बीच में उतरना, लड़ना, ये सब नहीं, ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ लिसनिंग के विरुद्ध है। और क्या अपने मन से, ये भी एक पॉइंट है, जिसको एक दूसरे शब्दों में एक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ये भी दिखाना चाहिए कि हम वो जो कह रहा है उसमें हमारा रस है। बाबा क्या कहते, कान दिलाओ, ये सब जो है ये क्या है, कि हम सुन रहे हैं, उसको लगे कि हम भी सुन रहे हैं। विदेशियों को आपने देखा होगा किस तरह से सुनते हैं और भारतीय कैसे सुनते हैं,
वो थोड़ा सा दिखाते कि हम लोग सुन रहे हैं। तो मेक ऐसा दिखाना कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। और जो बात कही यहां पर कि हर एक व्यक्ति अपने अपने रीति से सुनता है, अपने मतलब की बात निकालता है उसमें से, जो मन में चल रहा है उसी को कोरिलेट करता है, वहां पर जज करता है, बीच बीच में विचार करता है। पहले सुनना अर्थात थिंक विदाउट, लिसन विदाउट थिंकिंग, लिसन विदाउट जजिंग, लिसन विथ एक्टिव इंटरेस्ट, पूरा एक्टिव इंटरेस्ट के साथ उस बात को सुनना। हम यदि इंटरेस्ट ही ना दिखाए तो सामने वाला चुप हो जाएगा, शायद वो बात नहीं कहेगा जो उसे कहनी है। तो ये तीन चार ही बातें हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। डू नॉट इंटरप्ट, लिसन विद इंटरेस्ट, मेक आई कॉन्टेक्ट, लिसन विदाउट जजमेंट, लिसन विदाउट थिंकिंग एट दैट टाइम। वहां पर बहुत सारे विचार नहीं लाते रहो, अपने विचारों को उस विचारों पर ये नहीं करो प्रोजेक्ट। और जब तक वो पूरा बात कह ना दे तब तक शांत रहो, धैर्यता से सुनना। यहां अर्जुन में अधैर्य है, इसके लिए बार बार बीच बीच में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि मन दुखी है, उदास है, शोक से भरा हुआ है, इसके लिए वो धैर्य नहीं है उसके पास पूरी बात सुनने के लिए। तो सबसे पहली बात इस श्लोक में ये है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इन गुरुजनों को न मारकर मैं क्या करूं, मुझे सम्राट बनने से तो क्या ज्यादा अच्छा लगता है, भीष्म भिक्षा मांगना, ये ज्यादा मैं आई प्रिफर, ये मैं इसको प्राथमिकता दूंगा, मैं इनके रुधिर से इनके रक्त से सने हुए भोग मुझे नहीं चाहिए। यहां पर एक बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी की बात है। मनुष्य का मन अति में डोलता है, एक तरफ तो सम्राट बनना है और दूसरी तरफ वो नहीं तो सीधा क्या भिखारी, सड़क पर भीख मांगना मुझे ज्यादा श्रेयस्कर है, बीच का मार्ग मुझे ठीक पसंद नहीं आता है। हमेशा ये मनुष्य की टेंडेंसी है कि एक तो एकदम एक्सट्रीम में चला जाता है, जैसे किसी के प्यार में किसी के मोह में इतना फंस जाएगा कि उससे बिल्कुल उसके बिना रह ही नहीं सकता, और जब उससे धोखा मिले या कुछ हो जाए तो उससे इतनी घृणा इतनी नफरत कि एकदम एक्सट्रीम में चला जाता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी से, सबसे ज्यादा दुश्मन कौन लोग बनते हैं दुनिया में, जो पहले दोस्त होते हैं, एक कोने से दूसरे, एक पोलैरिटी से दूसरी पोलैरिटी, इस ध्रुव से इस ध्रुव तक चला जाता है, ये उसका स्वभाव है। मजलिम निकाय, महात्मा बुद्ध ने अपने मार्ग को नाम दिया पाली भाषा में मजलिम निकाय, अर्थात द मिडल पाथ, बीच का मार्ग। ये मजलिम निकाय, बाबा ने भी जो मार्ग बताया है वो बीच का मार्ग है। एकदम सन्यासी नहीं बन जाओ हठ योगी, या तो एकदम भोगी भी नहीं, बीच, मजलिम निकाय, द मिडल पाथ। क्योंकि ये दोनों, अति पर जाना बहुत आसान है, एकदम बहुत बात करना आसान है, और एकदम चुप हो जाना बहुत आसान है, बात ही नहीं करना किसी से, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल मौन, ये दोनों आसान है। एकदम भोजन में डूब जाना बहुत आसान है, भोजन भोजन दिन रात भोजन भोजन, क्या बन रहा है क्या बन रहा है क्या बन रहा है, दो दो घंटे में भूख लगती है। भूख ऐसी चीज है कि जितनी बड़ा उतनी और बढ़ती है, और तृप्ति नहीं होती है, कमरे में भी कुछ चाहिए, रात में उठ के भी कुछ खाते हैं, अमृत वेला भी कुछ खाता है व्यक्ति, दो दो घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए। यदि और यही व्यक्ति जब दृढ़ संकल्प कर लेता है तो एकदम भोजन को ही छोड़ देता है, दूसरे बीच वाले नहीं कर पाएंगे, ये कर कौन पाएगा, ये जो बहुत ज्यादा बोलता है वो मौन में बहुत जल्दी जाता है, जो बहुत भोजन में डूबा हुआ था जब भोजन को छोड़ता है तो ऐसा छोड़ता है कि सीधा ही छोड़ देता है, सब कुछ कुछ भी नहीं चाहिए,
यहां से अति एक दूसरा व्यक्ति है जो भोग विलास में डूबा हुआ है, एकदम काम में डूबा हुआ जो व्यक्ति है तुरंत ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाता है, परंतु लंबा समय ब्रह्मचर्य रहने के बाद फिर अब्रह्मचर्य की याद आती है, लंबा समय भूखा रहने के बाद फिर भोजन की ऐसी याद आती है कि यहां से सीधा फिर इधर जम कर जाता है, यहां पर मौन रहने के बाद 7 दिन का मौन और फिर तुरंत इतना बात करता है पेट भरकर कंपेंसेट करता है वो जो मौन रखा, इसको बैलेंस नहीं कहा जाता है, मजलिम निकाय ये नहीं है, बीच का जो मार्ग है द मिडल पाथ, बीच का मार्ग, इसमें ही श्रेयस है। या तो इधर डोलता है क्योंकि इधर डोलना बहुत आसान है और इधर जाना बहुत आसान है, इन दोनों के बीच में लाना है, यही तो पुरुषार्थ है। इसके लिए एक दिन व्यक्ति 2 बजे उठ जाता है अमृत वेले के लिए और दूसरे दिन अमृत वेला ही मिस कर देता है, कहां गया वो उमंग। टू स्ट्राइक द बैलेंस, ये जो है ना बैलेंस, यही संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। यहां एक तरफ तो सम्राट बनना चाहते हैं, अगर सम्राट नहीं बनूंगा तो सीधा मुझे भिखारी। इस पर टीकाकार अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां करते हैं। कोई लोग अर्जुन की बहुत महिमा करने वाले टीकाकार भी है, अर्जुन के पक्ष वाले, यहां तो हमने अर्जुन के विरुद्ध में ही बोला है शुरुआत से, परंतु जो अर्जुन के भगत है वो देखते हैं, देखो अर्जुन में कितनी शिष्टता है, वो राज्य को छोड़ने को तैयार है, अर्जुन के पक्षधर भी बहुत है संसार के, संसार में, कि जो बहुत उसकी महिमा भी करते हैं। वो ये भी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री एज इट इज भगवत गीता में उदाहरण दिया है कि अगर कृष्ण की जगह अर्जुन की जगह अगर कृष्ण को रखा गया और उसको कहा अपने गुरु सांदीपानी को मारो तो वो मारेगा क्या, अपने गुरु अपने दादा उग्रसेन उसको मारेगा क्या, अपने देवकी यश नंद और वो सब रहे तो, ये भी कहा है। अर्जुन की महिमा भी करने वाले बहुत बैठे हैं, परंतु अति में डोलने का स्वभाव मन का है, इधर या तो इधर। चिंतन करो चिंतन करो, चिंतन की क्लास सुनी तो इतना चिंतन में खो जाते हैं कि फिर बिल्कुल सेवा से वैराग आ जाता है, सेवा में जाना ही नहीं है, बस तपस्या ही करते रहना है, योग ही करते रहना है। योग में इतना डूब गए, कुछ है जो ज्ञान में इतना डूब गए कि फिर योग के निकलकर योग में आना मुश्किल। कोई लोग सेवा में इतना डूब गए, कल हम एक विदेशी बहन से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आज ब्राह्मण परिवार ऐसा हो गया है कि जो भी नए ब्राह्मण बनते हैं तुरंत सेवा में लगा दिया जाता है, तुरंत सेवा में, तपस्या की ही नहीं, ब्राह्मण बने मेगा प्रोग्राम कर रहे, मीडिया की सेवा कर रहे, भाषण दे रहे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, विंग्स के कार्यक्रम कर रहे हैं, सब इसमें इतना, अभी अभी कोर्स हुआ और अभी अभी सेवा में, या तो भोजन किचन में भोजन बनाने में लग रहे, माताएं कोर्स कर रही आ रही और भोजन बनाने में सीधा, तपस्या की कब, चिंतन किया कब, मंथन किया कब, मुरली को समझा ही नहीं, ज्ञान में आए और सेवा में लग गए। दादिया सेवा कब चालू की, बहुत समय, चलो अभी समय भी दूसरा है, परंतु यहां तो तपस्या हमें अपनी करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत, सीधा ही सेवा में उतरो और वहां संघर्ष, वहां फिर सबसे ज्यादा संघर्ष सेवाओं में है, मैं का संघर्ष, मेरे मेरे का संघर्ष, वैराग्य सेवा में ही नष्ट होता है, बाबा के महावाक्य है, सेवा को ही इतनी प्राथमिकता की सेवा ही सब कुछ है, ऐसा हो जाता है। जैसे ज्ञान योग हरेक का केवल पर्सनल अफेयर है, तुम देखो वो सब हमको मत बताओ, सेवा बराबर होनी चाहिए, एक अर्थों में ये अच्छा भी है कि सेवा की आवश्यकता है, परंतु वो व्यक्तिगत, व्यक्ति अपना पुरुषार्थ खो ही जाता है उसका, इसलिए एकदम
यहाँ पर भी जो अज्ञान में अहंकार था वो अहंकार की पूर्ति अब व्यक्ति सेवा में करना चाहता है। यहाँ नाम कमाना चाहता था, अब सेवा में नाम कमाना चाहता है। यहाँ संघर्ष था, वो सेवा में संघर्ष चालू हो गया। इसके लिए अति में डोलने का स्वभाव है। इस अति से स्वयं को बाहर निकालना है और बीच में लाना है। किसी भी चीज की अति, चाहे वो ज्ञान की ही अति क्यों ना हो, ज्ञान 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 और अशरीरीपन भूल गया और तपस्या भूल गई और बैठकर तपस्या भूल गई, ये भी एक अति है, परंतु वो ज्ञान की अति है। तो ये दूसरी बात है। तीसरा, यहां अर्जुन जो कह रहा है, मेरे आचार्य, मैं इनको कैसे मारू, मेरे गुरु, मेरे पितामह, यहां पर वो भीष्म और वो द्रोण इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, मैं, वो मेरे, वो मैं पर ज्यादा भर है यहां पर। और यहां और एक चीज पता चल रही है, अर्जुन का जो डायमेंशंस है चित्त का, वो बहुआयामी है। हर एक व्यक्ति एक रीति से नहीं सोच रहा है, वो इतनी मन की अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहा है, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1915 में पहली बार जर्मनी में ये निकली थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि एक ही व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग रीति से देखता है। जैसे इस किताब को यदि कोई देखे, तो यहाँ 10 व्यक्ति यदि बैठे हैं, तो हर एक व्यक्ति इसको अलग अलग रीति से देखेगा। जैसे कोई देखेगा ये किताब है, कोई देखेगा, कोई भगत है तो देखेगा ये भगवान के महावाक्य है, कोई तीसरा देखेगा तो कहेगा ये एक फिलॉसफी है। एक ही चीज को हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से देखता है। अर्जुन के मन में भी ऐसी ही दुविधा चल रही है। इतने डायमेंशंस हो गए हैं, इतने आयाम हो गए हैं अंदर, कि वो एक ही बात को अलग 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 रीति से देख रहा है। और ये केवल उसकी स्थिति नहीं, हर एक मनुष्य की स्थिति है। हम ये जो होल है एज अ, वो नहीं देख पाते, टुकड़ा टुकड़ा देखते हैं उस चीज का। जीवन में जो परिस्थिति आई उसका टुकड़ा टुकड़ा देखते हैं, उसके लिए मन पूरा उसको समझ नहीं पाता है। हर व्यक्ति उसको अलग अलग रीति से देख रहा है। पॉल बेक नाम की एक ऑथर है, उसने अपनी जीवन कहानी जो लिखी थी उसमें, उसने अमेरिका की जो ऑथर है, उसने नाम दिया था माय सेवरल वर्ल्ड्स, मेरे अनेक संसार। भगवान कहते हैं ना, एक संसार है, एक नहीं है, कितने संसार है, जितने व्यक्ति है उतने संसार है, और उसमें भी एक एक व्यक्ति के अनेक अनेक संसार है। एक संसार आपने खड़ा कर रखा है, अपना व्यक्तिगत संसार, एक इमोशनल संसार, एक फिनेंशियल, एक आर्थिक संसार, एक रिलेशनशिप वाला संसार, एक ही मन में कितने संसार है, एक प्रोफेशनल संसार, शत्रुओं का संसार, एक फ्रेंड सर्कल, एनिमी सर्कल, एक सोशल सर्कल, कितने संसार है एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति कितने विभागों में बट गया है, एक नहीं है वो, दिखाने वाला कुछ और है कुछ और, बनना कुछ और चाहता है, और है वास्तव में कुछ और ही, जो किसको ही नहीं पता और उसको भी नहीं पता। जैसा वो बोल रहा है वैसा वो है नहीं, जैसा वो कर रहा है वो भी वो नहीं है, उसकी सोच, उसके बोल और उसके कर्म अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, और वो कर रहा क्या है उसको ही नहीं पता। यहां अर्जुन भी ऐसा ही बट गया है व्यक्तित्व उसका, वो चीज को वैसा नहीं देखता, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वो उस चीज को वैसा नहीं देख पा रहा, अलग अलग दृष्टि से देख रहा है, कभी यहां खड़े होता है, कभी वहां खड़े होता है, कभी वहां खड़े होता है, कभी वहां खड़ा होता है। इसलिए यहां सीखने की बात एक है कि यदि किसी चीज को हमको समझना है, उसको हर रीति से समझना पड़ेगा। जैसे ये यदि मुरली है, तो इस मुरली को यदि पूरी रीति से समझना है, तो उसके हर डायमेंशन को समझना पड़ेगा। टाइम, प्लेस, पर्सन, कब ये मुरली सुनाई गई, किसके सामने सुनाई गई, कौन
कौन से समय में सुनाई गई, परिस्थितियां कौन सी थी, तभी इस मुरली को सुनने में पूरा रस आएगा। हम केवल अपने एक ढंग से सुनते हैं और कई लोगों की आदत हो गई एक ही ढंग से मुरली लिख रहे, वही प्रश्न उत्तर, दो तीन महावाक्य और धारणा और सार और श्लोगन वरदान, वो एक ही पैटर्न बन चुका है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई नवीनता कुछ है ही नहीं। एक ही चीज को यदि समझना है तो वो पूरे हाथी को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड। ब्लाइंड की क्या परिभाषा दी है आज की मुरली में आशीष भाई, बाबा ने कहा है ये है ब्लाइंड, इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया है, इन्हें ब्लाइंड कहा जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा नहीं देखो, पूरा देखना पड़ेगा तो ही कहा जाओगे, अदरवाइज यू आर ब्लाइंड। ज्ञानी कौन है, ज्ञान इसको, मैं इसको ज्ञान घोषित करता हूं, भगवान ने कहा है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ही ज्ञान है, जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता उन्हें ब्लाइंड कहा जाएगा, दृष्टिबाधित। सूरदास, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना अर्थात ज्ञान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानना अर्थात ब्लाइंड। हम बात कर रहे हैं हर एक व्यक्ति की अपनी ही सृष्टि है, माय सेवरल वर्ल्ड्स उसने नाम दिया है। पहले चीन में थी वो पल बक, कितना समय चीन में बिताया, चीन की क्रांतियां देखी, चीन के आंदोलन देखे, सब कुछ देखा, बाद में अमेरिका गई और बाद में फर्स्ट अमेरिकन वुमन है टू विन नोबल लिटरेचर में नोबल प्राइज, पुलित्जर अवार्ड और कितने अवार्ड, परंतु उसने अपनी जीवन कथा का नाम क्या दिया, मेरे अनेक संसार, माय सेवरल वर्ल्ड्स। हाँ, ये तो सब बहाने हैं हम जो खोज के रखे हैं ब्राह्मणों ने, हमने ऐसे ऐसे शब्द अपनी सुविधा के लिए खोज के रखे, बाकी हम भी ब्लाइंड ही है। जो आज की मुरली में बात कही है सृष्टि, वो मैं हम पूरी 5000 साल की सृष्टि तो छोड़ दो, हम बात कर रहे अपनी सृष्टि की, माय सृष्टि, ये जो मेरी सृष्टि है इसको यदि आधी मध्य अंत को मैंने नहीं समझा तो मैं क्या हूं, ब्लाइंड हूं, अर्थात इस ब्राह्मण जीवन के आदिकाल को, मध्यकाल को, अंत, अर्थात मेरे जीवन के आदिकाल के, मध्यकाल को और अंतकाल को, अंतकाल जो आने वाला है उसको यदि मैंने अब नहीं समझा अर्थात मैं ब्लाइंड हूं, ये ब्लाइंड की परिभाषा है। तो तीसरी बात यहां जो हम कह रहे हैं कि एक चीज को अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश करना है, एक ही चीज को एक ही ढंग से नहीं, एक ही पैटर्न से नहीं, अलग अलग ढंग से समझो। जो बाबा कह रहे हैं मुरली में एक यदि वाक्य आता है, रुको और सोचो कि एक डॉक्टर इसको कैसे सोचेगा, एक इंजीनियर इसको कैसे सोचेगा, एक अज्ञानी व्यक्ति को यदि ये सुनाया जाए तो वो कैसे सोचेगा, एक यदि धर्मशास्त्री कोई शास्त्र पंडित आ गया वो इसको कैसे देखेगा, एक बाबा का बच्चा जो 50 साल से ज्ञान में वो इसको कैसे समझेगा, एक जो अभी अभी आया है, कल की मुरली में था, कोई 25 साल से 30 साल से ज्ञान में है, कोई एक मास से ज्ञान में, कोई 7 दिन का ज्ञान में, परंतु अभी अभी आने वाले भी क्या हो सकते है, टीके जा सकते है, गैलप कर सकते है। कौन किस रीति से ज्ञान को समझ रहा है, योग को किस रीति से समझ रहा है, यह डायरेक्ट इस श्लोक से संबंधित बात नहीं है ये, परंतु हम अर्जुन के मन की बात कह रहे हैं कि वो परिस्थिति को अलग अलग रीति से समझ रहा है, अलग अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। अभी बात कर रहा है, पहले बात की थी पितरों की और पूर्व संतति की, अभी बात कर रहा है ये जो भोग हमको मिलेगा उनके खून से सना हुआ भोग होगा, ये नया पॉइंट निकाला उसने, ये जो भोग मुझे मिलेगा, राज्य मिलेगा, उनका खून इसमें लगा हुआ होगा, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, एक नई पॉइंट बताई उसने, माना एक ही चीज को, अच्छा अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट, बात सही है, हम भी उसकी तारीफ कर रहे हैं आज कि वो सही कर रहा है कि एक ही बात को अलग अलग रीति से समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ तो मान जाए सामने वाला व्यक्ति कि भाई हाँ ये तुमने सही किया, बराबर, यू आर राइट, आप छोड़ दो ये इस युद्ध को, पर वो कृष्ण ये कहने को तैयार ही नहीं है, वो तो अलग अलग रीति से कह रहा है पर कृष्ण ये कहता ही नहीं उसको कि तू राइट है, वो तो सीधा उसके अहंकार पर ही आक्रमण कर दिया, ये तेरी कायरता है, नपुंसकता है, हृदय की दुर्बल्य है। तो
नहीं वो उसको उत्साहित कर रहा है, बोलो बोलते जाओ, पर मानने को तैयार नहीं है। पर ये भी अलग अलग रीति से पकड़ रहा है चीजों को, परंतु उसके मन की स्थिति देखो, डायमेंशन। यहां सीखने की बात है, पहली सीखने की बात बताई आर्ट ऑफ लिसनिंग, दूसरा पॉइंट बताया वो आर्ट ऑफ लिसनिंग में हो गया, दूसरा पॉइंट बताया क्या, वो लिसनिंग में सब हो गया, वो लिसनिंग का हो गया पॉइंट, वो लिसनिंग में अभी बात चल रही है। इसलिए कह रहा हूँ ना, लिसनिंग जो है ना बहुत बड़ी आर्ट है। हाँ, एज अ होल, कोई भी चीज को टुकड़ा टुकड़ा नहीं समझो, एज अ होल सारा डायमेंशन को समझना, गेस्टाल्ट फिलोसॉफी ये अभ्यास करना है। और एक चीज जो बताई हमने कि वो जो मैं, मेरे गुरु, वो गुरु इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो अपने अहंकार की ही तृप्ति है यहाँ पर, उसकी जो अपनी एक इमेज है उसको वो प्रिजर्व करना चाहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। ये नहीं कहना चाहता कि ये मुझे कुछ कहे, कायर कहे, या ऐसा भी कहे कि लोग मुझ पर इतिहास कहे कि ये वो कितना पापी था, उसने अपने ही भाइयों को मार दिया, वो ये कलंक नहीं लेना चाहता। और ये भी नहीं लेना चाहता कि मैं कायर हूं, इसके लिए बीच का मार्ग ढूंढा है उसने। पहली पॉइंट बताई लिसनिंग की, दूसरी पॉइंट बताई अति में नहीं जाने की, बीच का मार्ग, और तीसरी पॉइंट बताई कि ये जो गुरु मेरे ये तो गौन है, मैं, वो मैं की तृप्ति कर रहा है यहाँ पर। और एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ वो कहता है शिष्यस्ते हम शदि माम त्वा प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ, शरणागत। परंतु सरेंडर जो है ना शब्द, उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। एक तरफ कह रहा है मैं सरेंडर हूं, परंतु दूसरी तरफ जजमेंट भी दे रहा, मुझे नहीं लगता युद्ध ठीक है। अब जब तुम सरेंडर हो रहे हो तो तुमको लगने की कहां से बात आ गई, तुम अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो। और एक जगह ये भी कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, आगे इसके आगे का एक श्लोक है, वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब तुम सरेंडर हो, जब तुम शरणागत आ गए हो प्रपन्नम, तब तुम्हारा अपना ओपिनियन, एक तरफ तुम पूछ रहे हो अब मुझे शिक्षा दो, अब मुझे बताओ मुझे करूं कि नहीं करूं, और ये कहता है कि मुझे पता नहीं इसके करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, परंतु बाद में ये भी कहता है कि मैं नहीं करूंगा, विरोधाभास हो गया ना, दोनों तरफ विरोधाभास हो गया। तो जो शरण, सरेंडर है शब्द, बहुत गहरा है, इतना आसान नहीं है, उसका वस्त्र से या बैच से कोई संबंध नहीं है, उसको किसी स्थान में रहने से भी उसका कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध किसी समारोह से तो बिल्कुल ही नहीं है, सेरेमनी, ना तो वस्त्र से संबंध है, ना तो बैच से संबंध है, ना तो स्थान से संबंध है, ना ही समारोह से संबंध है, ये चारों ही चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसकी एक KG1 KG2 हो सकता है, उसका प्रिलिमिनरी, अगर ये इसी को ही, चारों को ही सब कुछ समझ लिया तो यही सबसे बड़े अहंकार का कारण भी बन सकता है। अगर इन चारों में से किसी एक को भी समर्पण की परिभाषा में समझ लिया तो ये चारों ही अहंकार को ही पोषित करेंगे, चारों ही चीजें, वस्त्र, बैच, स्थान और समारोह, ये चारों ही चीज। और समर्पण अर्थात अहंकार का को विगलित करना, अहंकार का लीन हो जाना, ये तो उल्टा हो रहा है यहां पर, फिर छोटा आय कैपिटल आय बन रहा है, जबकि सरेंडर किस लिए है, आय जो है उसको नष्ट करना, परंतु वो आय क्या हो गया, कहां गया, आय, ये यहां आय है, छोटा आय, यहां व्यक्ति या ज्ञान काल में यहां उसने एंट्री की, ये स्थान है, ये बैच, ये उसके कपड़े, ये उसका समारोह हो रहा है, ये आय जो है इसमें से गुजरा और ये निकला यहां बनकर, कैपिटल आय, ये हुई, ये है प्रोसेस समर्पण की, यहां से चालू किया और वो यहां बन के निकला, और लक्ष्य क्या था, इसको नष्ट कर देना, पर कुछ और ही हो गया। इसलिए
जरूरी सब है, परंतु ये भी समझना है कि ये जो प्रोसेस है ये मैं को नष्ट करने की प्रोसेस है। यदि मैं बढ़ रहा है, पोषित हो रहा है, धष्ट पुष्ट पुष्ट हो रहा है, मैं की ओबेसिटी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है मैं का, तो शायद ये समर्पण नहीं है। अर्जुन की यही दशा है, एक तरफ कह रहा है मैं तुम्हारी शरण में हूँ प्रपन्नम, एक तरफ कह रहा है मैं तुम्हारा शिष्य हूँ मुझे शिक्षा दो, परंतु तुरंत बाद में भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि युद्ध करना चाहिए। खुद ही ओपिनियन दे रहा है, पूछ रहे हो और उत्तर भी खुद ही देते हो। जैसे यहाँ कई भाई बहने आते हैं, पूछते हैं क्या करो हम, नौकरी करें कि नहीं करें, जब उनको हम कहते हैं कि नौकरी नहीं करो तो कहते हैं कैसे कैसे नहीं करें, और जब किसी को कहते हैं कि करो फिर कहते हैं बाबा ने कहा है सब कुछ छोड़ दो। दोनों तरफ से उत्तर देते हैं, दोनों तरफ से उत्तर है। तो ये चार चीजें आज बताई, पहला हाउ टू लिसन, इस पर चिंतन करो, आर्ट ऑफ लिसनिंग पर। दूसरा बताया अति में नहीं जाना है, मध्यम निकाय द मिडल पाथ। तीसरा बताया जब भी मैं कहता हूं मैं मेरे, वो जो व्यक्ति है ना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैं ही महत्वपूर्ण हो रहा है। मेरी सेवा, सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा प्रश्न, वो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पूछू। अगर कोई दूसरा ही वही प्रश्न पूछ लिया ना फिर उसका तो उत्तर सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है हमारी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ दादी से सबके सामने, ठीक है, पर मेरे जगह सुशील भाई ने प्रश्न पूछ लिया, अब मुझे कोई रस ही नहीं है उस इंटरेस्ट में दादी क्या उत्तर दे, क्योंकि पूछना मुझे था, उत्तर में रस नहीं है। रस किस में है? मैं में रस है। सेवा मैं करूं, मेगा प्रोग्राम मैं करूं, हमारा सेंटर करे, इसमें ज्यादा रस है। पर मेगा प्रोग्राम हम नहीं थे, कहीं बाहर चले गए और हो गया, उसमें अब रस कम है। मेरे बिगर कोई सेवा हो रही है पर अच्छी सेवा हुई, परंतु मैं अगर हूं उसमें तो वो रस ज्यादा है। इस मैं को चीजों से हटाते जाना, ये तीसरी पॉइंट है। और चौथा समर्पण यदि है तो वो अनकंडीशनल समर्पण हो। उसमें फिर ये प्रश्न कहां से, उसमें फिर ये कहां से, एक तरफ फिर ये हमारी अर्जुन की सी अवस्था हो जाएगी कि प्रश्न भी पूछो उत्तर भी काटो। जैसे लास्ट उदाहरण और फिर पूरा करते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसका खिलौना टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, वो जोड़ने वाला खिलौना, बहुत कोशिश की नहीं ठीक हुआ। कविता है एक इंग्लिश की, फिर भगवान के पास जाता है, कहता है लॉर्ड प्लीज हेल्प मेंड इट। तो भगवान के पास सारा वो खिलौना टूटा टूटा रख देता है, तो भगवान उस खिलौने को जोड़ना चालू करते हैं। वो कहता है इधर से नहीं, इधर से जोड़ोगे क्या कर रहे हो, अरे अरे इधर जोड़ो, ये तो मैं कर चुका हूं। फिर भगवान दूसरा करते, अरे ये भी मैं कर चुका हूं, उधर से जोड़ो। तो भगवान जोड़ रहे, तो लड़का भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहा है बीच बीच में, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो ये करो। फिर भगवान कहता है ले तेरा खिलौना तू ही जोड़। ये सरेंडर नहीं है। अच्छा, ओम शांति।